देखिए आज हम बनाएंगे नमकीन खस्ता। तो ये मेरे पास मैदा है आधा किलो, और ये एक बड़ा चम्मच धनिया है, और आधा चम्मच अजवाइन है, नमक है, और ये मेरे पास घी है, हमने ले लिया है। और इस सबको आटे में मिक्स करके हम इसका डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमने आटा कुछ सारा चीज़ें जितनी आपको दिखाई थी वो सब हमने इसमें डाल के आटे का डो ये तैयार कर लिया है। और अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए आटे का डो तैयार हो चुका है। इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे, जिसमें ये आटा सेट हो जाए, तो उसके बाद इसके छोटे छोटे खस्ते फिर तलेंगे। ये देखिए हमने आटा इसको तैयार करके इसका डो रख दिया था ढक के। अब ये आटा मेरा खूब अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसके हम एक बड़ी रोटी बेलेंगे और उसको छोटे छोटे किसी चीज़ से हम काट लेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से घी लगा के हम और चिकना कर लेंगे। इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। देखिए हमने इतनी बड़ी सी रोटी इसकी बेल लिया है। अब इसको हम किसी चीज़ की मदद से इसको हम काट लेंगे, चाहे गिलास चाहे कटोरी। देखिए इतनी हमें इतनी इसकी मोटाई भी सही है। ये देखिए ये रोटी हमने बेल लिया है। अब इसको हम ये गिलास की मदद से छोटी छोटी टिकिया काट लेंगे। देखिए इस तरह से काटेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे बॉल बना के देखिए इतनी कट गई है। अब इसको हम फिर इसके दूसरे जो हमने आटा इतना और बचा के रखा था इसमें इसको मिला के हम फिर बेल लेंगे। देखिए उसी तरह हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। अभी ये मोटी काफी है, इसको थोड़ा और हम बड़ी करेंगे। ये देखिए सब हमने काट दिया है इस तरह से। देखिए ये इतने खस्ते बन के तैयार हो चुके हैं। तेल गरम हो गया है, ये तेल हमने चढ़ा दिया था। अब इसमें हम धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे इसमें करके डाल देंगे। इसको हमें धीमी आंच पे पकाना है।
देखिए हम धीरे धीरे इसको पलटेंगे। हल्की हल्की नीचे से ब्राउन हो चुकी है। देखिए ये हमने सब पलट दिए हैं और ये हल्के हल्के ब्राउन ऊपर से हो चुके हैं, इसलिए धीमी आंच पर पका दें कि ये अंदर से कच्चे भी ना रह जाएं, पक जाएं अच्छी तरह से, कलर भी अच्छा आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह इसको हम धीमी आंच पे इसको भी तल लेंगे जितनी मेरी बाकी बची है। देखिए सब तल चुकी है, इसको भी अब हो गई है, अब हम निकाले लेते हैं इसको। ये देखिए झटपट से नमकीन खस्ते मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स करिएगा।